दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं व्हील चढ़ने के लिए। तो देखिए, मेरे साथ मेरी आंटी और मेरी बहन भी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं और ये तो देखिए दोस्तों, हम अभी पहुंचने ही वाले हैं। और तो देखिए दोस्तों, ये एक बड़ा सा पहाड़ है, पर हम इसमें नहीं चढ़ेंगे। पर और थोड़ा आगे जाने पर और एक रास्ता है, और एक पहाड़ है, उसमें हम चढ़ेंगे। तो आइए देखिए कितना लंबा है ये, और हम इसमें चढ़ने वाले हैं अभी। तो दोस्तों, आज हम इस पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, और देख सकते हैं थोड़ी दूर तक यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद घास ही घास है, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम अभी चल रहे हैं अपने अपने रास्ते में। तो चलिए, तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे कंकड़ और पत्थर रास्ते में हैं, जिससे हमारा पैर ज़्यादा फिसल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो छोटी बहन है आगे आगे जा रही है। आप देख सकते हैं, ओ बैठो मत, बैठो मत, ये पकड़ो लो। Thank you.
तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं और तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी आंटी और मेरी छोटी बहन आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे। तो ये देखिए, तो हम अभी पहाड़ के कुछ तक पहुंच तो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसा है माहौल। और यहाँ पर वो दोनों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक भगवान का मंदिर है क्या कुछ है एक। देखिए हम पूरे ऊपर को जा रहे हैं हम अभी। तो आप दिख रहे हैं, देखिए आपको जो दिख रहा है मुझे भी वो ही दिख रहा है। देखिए आप, हम देख सकते हैं कि हमारे साइड में, हमारे पहाड़ के साइड में एक बड़ा सा पहाड़ है। तो आप हमें लाइक करके शेयर करके बताइए कि क्या हम उसके ऊपर चढ़े। वो पहाड़ इससे भी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कोई एक माता रानी रहते हैं कि भगवान हनुमान। चलो देखते हैं, ये सीधी ढलान वाली चढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ओह, यहाँ पर गिरने का 90% चांस रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान हनुमान हैं। और यहाँ पर हम अभी थोड़ा ध्यान करने वाले हैं उनको। तो देखिए यहाँ से हमारा जो सिटी है कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी आंटी है और ये मेरी छोटी बहन है और मेरी छोटी बहन बोल रही है कि एडी कौन सा बोल रही है कि यहाँ पर सांप कीड़े मकोड़े हैं। और मेरी आंटी बोल रही है कि भगवान को ध्यान किया।